प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो मेरे जैसे आलसी आदमी से कमेंट कर करके खूब काम निकलवा रहे हो, पूरी फ्लेमिंगो करवा ली, विस्टास करवा ली, और अब रोजाना कमेंट करते हो कि सर पोएम्स और करा दो। ठीक है भैया, मुझे दया आ गई, चलो आपकी पोएम्स। सबसे पहली पोएम्स है माई मदर एट 66, इसको लिखा है कमला दास ने। तो ये तो रही आपकी वेरी शॉर्ट समरी। अगर आपको बड़ा आंसर याद ना हो तो इन लाइनों को लिख करके भी काम चला सकते हो, और हमेशा की तरह से इस पोयम में से ओनली वन आंसर, इसको रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपका काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में, इसको लिखा है फेमस साउथ इंडियन एक पोएट है, राइटर है कमला दास, जो मेनली मलयालम भाषा में लिखती हैं, और ये माधव कुट्टी नाम से लिखती हैं। ये फेमस हुई थी माई स्टोरी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है उससे। इस पोयम में क्या है तो देखिए, वेरी शॉर्ट समरी पहले समझ लो, छोटी सी पोयम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दिस पोयम, ये कविता सोज दिखाती है या रिप्रेजेंट्स, प्रस्तुत करती है द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार के बंधन को, बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर, एक माँ और एक पुत्री के बीच में। व्हेन द पोएट, जब कवियत्री कमला दास सा ने देखा था हर मदर्स एजिंग, अपनी माँ के बूढ़े, एजिंग होता है बुढ़ापा या बूढ़े, रिंकल्ड झुर्री पड़े हुए एंड पेल फेस, और पीले चेहरे को, इन द कार, अपनी कार में, सी फेल्ट, उसने महसूस किया अ फियरफुल पेन, एक भयानक दर्द, एक भयानक पीड़ा, एक भयानक दुख ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खो देने का, बट लेकिन somehow hid, लेकिन किसी तरह छिपाया, सब्जेक्ट और देना पड़ेगा, somehow she hid it, इसे छिपाया, एंड और मूव्ड ऑन टू लाइफ, और जीवन में आगे बढ़ गई, यानी उस दर्द को भूल करके, भूलता तो कौन है, अपने दिल में दफन करके बस वो अपने काम में आगे निकल गई। चलो एक बार और कर देता हूं, देखिए, दिस पोयम शोज, ये कविता दिखाती है द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार के बंधन को, बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर, एक माँ और एक पुत्री के बीच में। व्हेन द पोएट कमला दास, जब कवियत्री कमला दास सा ने देखा हर मदर्स एजिंग रिंकल्ड एंड पेल फेस, अपनी माँ के बूढ़े झुर्री पड़े और पीले चेहरे को, इन द कार में, सी फेल्ट, तो उसने महसूस किया अ फियरफुल पेन, एक बड़ा दर्द ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खो देने का, बट लेकिन समहाउ, किसी तरह से, सी हिड इट, उसने इस दर्द को छिपाया, इस पीड़ा को छिपाया, एंड मूव टू द लाइफ, और जीवन में आगे बढ़ गई, अपने काम में जुट गई। तो कहने का मतलब है, इस पोयम में ये बताया गया है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कितना प्यार करते हैं। चलो बीच में पोयम की बात छोड़ो, मैं अपने पर्सनल अनुभव बताऊं, आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, खूब प्यार करते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, अरे सर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच बताऊं, आप कितना प्यार करते हो उसका पता है कब चलेगा, जिस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन वो सारा प्यार सतह पे आ जाएगा, आपके चेहरे पे, आपके रोने में, आपकी आंखों में, और काफी दिन की उदासी में दिखेगा, और ऐसा होता है। यानी हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता, अब देखो करते हैं, रोजाना थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन तब एक साथ इतना दिखेगा। वही चीज़ इसमें बताई गई है कि जो पोएट है कमला दास, अपनी माँ के साथ कार में ड्राइविंग कर रही थी, कोचिंग जा रही थी, मतलब थोड़ी समरी, 5-6-7 लाइन तो है ही है, तो अचानक उसने अपनी माँ को देखा जो बगल में बैठी थी, उसका पीला चेहरा, झुर्री पड़ा हुआ, मतलब वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती है, उसका जो चेहरा था ना, सबकी राख जैसा था, सब जैसा था, कॉर्प्स एक वर्ड आया है, तो दुखी हो गई। अचानक उसने अपने मूड को चेंज करने के लिए खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ भागते हुए नजर आए। अब भागने का मतलब पेड़ भागते थोड़ी है, बट आप कार में जब चलते हो, बस में चलते हो, तो ऐसा लगता है पेड़ भाग रहे हैं। और दूसरी बात, खुशी से बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे, बहुत खुश होते हैं बच्चे, मासूम बच्चे। अब ये दोनों चीज़ नवजीवन का प्रतीक है। देखो, पोएट एक साथ दोनों चीज़ महसूस कर रही है, माँ किसका प्रतीक है, जाने का, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली है, अर्थात अंत का, और जो पेड़ हैं और बच्चे हैं वो शुरुआत का, छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए पूरा जीवन पड़ा है, बहुत खुशियां हैं। तो पोएट ने दोनों चीज़ एक साथ महसूस की, एक भयानक दुख भी और एक खुशी भी। और अंत में जब सिक्योरिटी चेक के बाद जब फिर से दोबारा अपनी माँ को देखा, तो फिर से उसे बचपन का डर याद आ गया कि यार बचपन में डर लगता था जब माँ दूर हो जाती थी, कहीं माँ चली ना जाए, माँ मर ना जाए, वही डर फिर से लौट के आ गया। ध्यान रखना, माता पिता कितने ही बूढ़े हों, उनके प्रति हमारा प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता, वो जेनेटिक है, वो ईश्वर देता है, वो नेचर देता है।
तो फिर अब उसने अपने दर्द को, हाँ, और उसकी माँ का चेहरा ऐसा लगा लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चंद्रमा फीका होता है, धुंधला होता है, चेहरा भी फीका था, धुंधला था, पीला था, झुर्रियों वाला था, लेकिन फिर भी अपने दर्द को छिपा करके हंसते हुए स्माइलिंग बोली, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी फिर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि दर्द था बट उसको छिपा लिया, और सी यू सून मतलब वो अपनी माँ को कभी मरते देखना ही नहीं चाहती, हालांकि मरेगी पता है लेकिन नहीं देखना चाहती। तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं और पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, बस यही है इसमें बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन डॉटर एंड मदर। तो चलिए ये तो हो गया, तो ये रहा इसका ओनली वन आंसर। हाँ एक खास बात, फिर बाद में भूल जाऊंगा, ये ओनली वन आंसर नहीं है, आपका एक तरह से और काम चला सकता है, जैसे किसी बोर्ड में आपको पता है कि पर्टिकुलर में किसी बोर्ड का नाम लेता है नहीं, यूपी वाले पढ़ लो, राजस्थान वाले पढ़ लो, एमपी वाले, सीबीएसई कोई पढ़ लो, मैं उसी तरह से पैटर्न देता हूं। अब कुछ बोर्ड्स में पोएम में से एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या आती है, ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप चाहे तो अगर आपके बोर्ड में ये आता है, राजस्थान बोर्ड में तो आता है, तो आप ये जो मैटर है ना जो ओनली वन आंसर में यानी क्वेश्चन आएगा उस, तो क्वेश्चन के लिए मैंने इसको लिखवाया। अब यदि आपके एक्सप्लेनेशन भी है आपके और इस चैप्टर में से इस पोएम में से एक्सप्लेनेशन आती है, तो बीच में रेफरेंस में तो आप पोएट और पोएम का नाम लिखते हो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना, कंपोज्ड बाय ये, और फिर कॉन्टेक्स्ट में मेन थीम क्या है एक दो लाइन लिखते हो, और मेन जो नंबर मिलते हैं वो एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो ये आपकी ये आपकी एक्सप्लेनेशन के काम भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा सार है, पूरी थीम है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये किस को मक्खी आ गई, किस क्वेश्चन का आंसर है, ये सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है, इसमें क्या मैसेज है, और कुछ भी आ जाए आप तो लिख देना। और हाँ एक बात और, जो हमने चैप्टर में आए थे ना, तो किसी किसी चैप्टर में मैंने कहा था कि हाँ पूरे मिल सकते हैं, 95 मिल सकते हैं, किसी किसी में कहा था यार नहीं बनेगी बात, लेकिन पोएम में बात बन जाएगी। पोएम में आप ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, जो लिख रहा हूँ उसको लिख के आ देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि पोएम में उतना होता नहीं है मैटर, थोड़े मैटर होता है, ठीक है, मतलब भाव क्या है, इसमें क्या मैसेज दिया गया है, क्या शिक्षा मिलती है, सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, क्या मैसेज है, वो सब मैसेज आ ही जाता है, यानी आप इसको लिख देना, ज़्यादा सोचना मत। तो चलिए देखते हैं, द पोएट कमला दास वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, जो कवियत्री कमला दास है वो कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही थी विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, इन हर कार अपनी कार में। व्हेन द पोएट सा, जब पोएट ने देखा हर मदर्स अपनी माँ के एजिंग बूढ़े रिंकल्ड झुर्री पड़े हुए एंड पेल फेस और पीले चेहरे को, सी फेल्ट सोरो, उसे दुख महसूस हुआ, सोरो होता है दुख। हर फेस वाज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, उसका जो फेस था वो एक कॉर्प्स होता है, सब सबकी भांति दिख रहा था। मैंने बताया था ना वीडियो में कि आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो कॉर्प्स को कर दो, ठीक है, सोरो को कर दो, अच्छे वर्ड है। तो उसे उसका चेहरा एक सबकी भांति दिखाई दिया। देन द पोएट लुकड आउट ऑफ द विंडो, लुकड आउट द सॉरी तब कवित्री ने बाहर देखा द रनिंग ट्रीज, भागते हुए पेड़ों को, एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और खुश होते हुए बच्चों को, खुशी बच्चों को। एट द सेम टाइम, और एक ही समय में, द पोएट कवियत्री ने फेल्ट महसूस किया टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन की दो अवधारणाओं को, जॉय, अब जॉय किसका प्रतीक है, जॉय के प्रतीक क्या है, ट्रीज एंड चिल्ड्रन कोष्टक में लिख दिया, एंड सोरो और दुख को, सुख और दुख का प्रतीक क्या है, हर मदर्स एज्ड, उसकी माँ का बुढ़ापा, हर मदर्स एजिंग फेस, अपनी माँ का बूढ़ा चेहरा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कर दो कोष्ठक में बंद, ये है ना। तो अब देखो, उसने जीवन की दो अवधारणाओं को देखा, एक तो जॉय, जो खुशी किसमें थी, भागते हुए पेड़ों में और बच्चों में, और दुख किसमें था, उसकी माँ के बूढ़े चेहरे में। अब देखो, जब आप लिखो तो एस्पेक्ट एक अच्छा वर्ड है, अवधारणा छोटी सी स्पेलिंग ASPECT एस्पेक्ट को कर दो, है ना, आपने जो कोष्ठक लगाए तो उसका मतलब कोई चीज एक्सप्लेन की है, नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है, कुछ तो अलग है ना ये। द पोएट्स मदर मे डाई, जो कवियत्री है, जो कवि है, उसकी माँ मे डाई, मर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय मर सकती है, यट फिर भी द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू लूज हर, लेकिन फिर भी कवियत्री अब उसको नहीं खोना चाहती। कौन है जो अपने माँ बाप को खोना चाहेगा, भले ही वो बूढ़े हो जाएं, ठीक है, हालांकि ये अलग बात है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित हो तो हम सोचते हैं भगवान तुझे उठा ले, बट बोलते जरूर है, लेकिन जब उठाएगा ना तो बहुत दुख होगा, यानी हम उनको खोना ही नहीं चाहते, बट खोना पड़ता है, यही लाइफ है। तो सी, तो वो उसको नहीं खोना चाहती थी, सी हिड, उसने छिपाया, ठीक है, हाइड हिड हिडन सेकंड फॉर्म में छिपाना, सी हिड हर इमोशंस, उसने अपनी भावनाओं को छिपाया, एंड सैड, और बोली स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, पार्टिंग वर्ड्स, विदाई के शब्द, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी फिर मिलेंगे, मुस्कुरा के बोली, ठीक है, दर्द तो है पर छिपाया।
दस इस तरह से दिस पोयम ये कविता शोज दिखाती है अ बॉन्ड ऑफ लव, एक प्यार के बंधन को, बिटवीन अ डॉटर एंड हर मदर, एक पुत्री और उसकी माँ के बीच। और ये लाइन मैंने अपने मन से लिख दी, नो वन वांट्स टू लूज हर लूज देयर पेरेंट्स, कोई भी अपने माता पिता को नहीं खोना चाहता है लेकिन खोना पड़ता है। तो दो तीन बातें हैं कि जब बूढ़े होते हैं तो ये ख्याल आता है कि यार ये बिछड़ ना जाए, लेकिन उस दर्द को छिपाते भी है। तो ये देखो अब ये पोएट करते क्या है, ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें होती जीवन में बहुत, जिनको हम कह नहीं पाते ये उनको शब्द दे देते हैं, यही पोएम होती है बस। ठीक है, तो अब फटाफट से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बैठ कर नोट कर लो, पॉज करके कुछ भी कर लो। अब जब बीड़ा उठा लिया है ये मत कहा करो कि सर मेरा पेपर तो परसों है, भाई मैं ऐसा ही हूँ बस, बट ये करवा दूंगा सारी की सारी पोएम। ठीक है, और वो टेंथ वाले बहुत नाराज़ होते हैं, बच्चे सर ट्वेल्थ का करा रहे हो, उनका भी थोड़ा बहुत डालूंगा। ठीक है, तो हो गया, ओके बाय।